गुड इवनिंग गाइस, आज का टॉपिक है एलपीपी ग्राफिकल मेथड। एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने टाइप्स ऑफ एलपीपी ग्राफ बताए हैं यहाँ पर। ओके, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ग्राफ कैसे क्या करना है। बेसिकली आज हम लोग जो है एलपीपी का मैक्सिमाइजेशन का सम देखेंगे। ओके, तो सिर्फ ये जो 6 ग्राफ है मैं आपके सामने वीडियो में बता रहा हूँ, बस ये याद रखना। तो याद रखो, अगर लेस देन साइन है, दिस इज द लेस देन साइन, तो हमेशा आप टूवर्ड्स दी ओरिजिन ड्रॉ करोगे। ओरिजिन का मतलब क्या है, दिस इज योर ओ ओरिजिन, तो आप अंदर की तरफ स्केच करोगे वेन एवर यू सी द लेस देन साइन। इफ इट इज अ ग्रेटर देन साइन देन इट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, दिस इज द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, हाँ, मोस्टली अभी जो हम सम करने वाले इस पे फोकस करना। दो इक्वेशन आता है मोस्टली एग्जाम में। सो इफ इट इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लाइक दिस, दोनों जगह अगर लेस देन है तो आपको यहां पर स्केच करना है जो लास्ट वाला बॉक्स है ओरिजिन की तरफ, दिस इज योर ओरिजिन, राइट। एंड अगर दोनों ग्रेटर है सो दोनों दैट विल बी दिस बॉर्डर लाइन के बाहर हो जाएगा, और बाकी एक लेस एक इक्वल है तो बीच में आएगा। एंड अगर ऐसा है, एक लेस है और एक बाहर है, तो दोनों का मिलने का कोई चांसेस नहीं, तो इसको हम बोलते हैं नो फिजिबल रीजन, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग ग्राफ नंबर थर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आज का सब इससे रिलेटेड है। तो लेट अस सी नाउ, आपके पास अभी ये आ चुका है सामने एलपीपी ग्राफिकल मेथड। नाउ व्हाट यू नीड टू डू ओवर हियर इज सॉल्व ग्राफिकली द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 9x प्लस 12y, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, जो सब्जेक्ट टू है उसको हम कहते हैं इन इक्वेशन। सब्जेक्ट टू के आगे जो दो इक्वेशन दिए हुए 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस y लेस देन 10, ये दो इक्वेशन आपको कंसीडर करना है। ये तो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका मतलब जो है x ग्रेटर y ग्रेटर तुम्हारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट इन इक्वेशंस। तो इन इक्वेशन किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट टू के आगे। सो वी विल राइट ओवर हियर 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, ये फर्स्ट इन इक्वेशन है। और सेकेंड वाला कौन सा है, 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 10, दिस आर द इन इक्वेशन। अब इक्वेशन इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू लिख देना है। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 एंड देन 2x प्लस y इक्वल टू 10। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। अब इक्वल टू 18 लिखना, उसके बाद इक्वल टू जो भी नंबर है, अगर इक्वल टू 10 है तो डिवाइड बाय 10, और इक्वल टू 18 है तो डिवाइड बाय 18। तो मैं सब जगह जो है 18 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 18। सो व्हाट हैपन व्हेन यू डिवाइड बाय 18, सो यू कैन कैंसल इट आउट, 2 1s are 2, 9s are 18, 3 1s are 3, 6 are 18 एंड 18 18 गेट कैंसल, यू गेट 1। तो याद रखना, स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमको 1 बनाना है, तो इक्वल टू जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना। अभी आपके पास यहां पर जो बचता है वो लिखो, x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली ओवर हियर वी राइट 2x प्लस y इक्वल टू 10। अब इक्वल टू क्या है, यहां पर 10 है, सो वी विल डिवाइड बाय 10। सो लेट अस डिवाइड बाय 10 दिस 10 10 and 10, सो विल डिवाइड बाय 10 एंड लेट अस कैंसिल, 2 1s are 2 5s are, अब वी गॉट ओनली 1 ईयर, सो इट वोंट गेट कैंसिल, सो 10 एंड 10 गेट कैंसिल, यू गेट 1। तो आपके पास यहां पर बचेगा x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमको इक्वल टू 1 बना। अब पॉइंट्स कैसा लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से सुनो। देखो, मोस्टली आप जो पॉइंट्स लिखते हो दैट इज एक्स कॉमा वाई, राइट, जैसा 5.4, 5.3 समथिंग। अब यहां पर आप कैसे लिखोगे, सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ए एक्स के नीचे वैल्यू क्या है 9, तो आप 9 लिखोगे और यहां पर लिखोगे 0, जो क्योंकि ये एक्स का वैल्यू है, जो एक्स के नीचे उसका वाई 0 होता है और जो वाई के नीचे उसका एक्स 0 होता है। सो एक्स वी विल राइट 9.0 एंड पॉइंट नंबर बी। अब ये वाई के नीचे 6 है तो इसका x 0 होगा, 0.6, अंडरस्टूड एवरीवन, 9.0, 0.6। अब देखो यहां पर आपको और अच्छे से समझ जाएगा, ए बी, नाउ वी विल राइट पॉइंट नंबर सी। अब x के नीचे क्या है 5, सो यू विल राइट 5.0 एंड देन पॉइंट नंबर डी। अब y के नीचे 10 है तो यू विल राइट 0.10। ओके, सो वी हैव गॉट अवर पॉइंट ए
9, B6, C5 एंड D10। A x एक्सिस पे आएगा, B y एक्सिस पे, C x एक्सिस पे एंड D y एक्सिस पे, राइट। सो नाउ अब यहां पर आपको देखना है कि आपके पॉइंट्स कितने हैं। सब में छोटा नंबर कौन सा है, यहां पर जीरो को छोड़ के 5 है और उससे बड़ा जो है वो है, सब में बड़ा इस 10। तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक अपने ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ओके, अगर यहां पर 25 या 45 50 तक रहता तो हम 5 का गैप लेते थे, अब यहां पर सब छोटे नंबर है सो आई विल टेक 1 का गैप। सो दिस ब्रिंग अस टू आवर ग्राफ। सो वी विल, व्हाट वी विल डू, वी जस्ट राइट डाउन अवर नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो मैंने अभी y एक्सिस भी प्लॉट कर दिया है और स्केल भी लिख दिया है। सो अभी आपको देखना है कि a और b का वैल्यू चेक करेंगे। तो a का वैल्यू है 9 जो x पे आएगा और b का वैल्यू है 6 जो y पे आएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 9 है तो मैं यहां पर जो है ब्लू कलर से इसको स्केच कर देता हूं। a का वैल्यू 9 ये दिख रहा है, दिस इज 9 और यहां पर मैं लिख देता हूं a 9,0। उसके बाद जो है अपना बी का वैल्यू जो था, बी का वैल्यू 6 था, वो वाई एक्सिस पे आएगा। तो ये 6 पे प्लॉट करना है आपको और यहां लिखना है बी 0,6, ठीक है, पॉइंट नंबर बी 0,6। अब क्या करोगे, आप अपना स्केल लोगे और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप माय स्केल ओवर हियर, दिस इज ए एंड दिस इज सी, दिस इज बी। नाउ वी विल ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स, लेट अस सी। कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए आपको पुलिस की बैन की आवाज आती होगी, डंडा लेके घूमते हैं यहां पर। सो नाउ ए एंड बी वी हैव ज्वाइन दिस। ओके, ज्वाइन करने के बाद आपको यहां पर जो है इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब इक्वेशन क्या होता है, इन इक्वेशन जो आपके सामने देखो, ये ना हमने ए और बी निकाला था और इसका इन इक्वेशन क्या था, 2x + 3y < 18, ये आपको लिखना है। तो मैं इसको यहां पर रेड पेन से लिख देता हूं, ये इसका इक्वेशन है 2x + 3y < 18, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। साइन पे कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पर लेस देन साइन है। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है पॉइंट नंबर सी और डी। तो वापिस से आपको याद दिला दूं, सी का वैल्यू है 5 और डी का है 10। तो सी का 5 प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, मैं रेड कलर के इसे मार्क कर देता हूं, ये आपका सी, सी लिखो और ब्रैकेट में 5,0 एंड देन दिस इज योर डी दैट इज 0,10। ओके, उसके बाद इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो विल ज्वाइन दिस, दिस इज 10 एंड दिस इज 5, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन वापस से लिखना है, इसका इन इक्वेशन आप जो क्वेश्चन में से देख सकते हो, मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका इन इक्वेशन है 2x + y < 10, 2x + y < पे कॉन्सेंट्रेट करो, < 10। ओके, सो नाउ अब इसको स्केच करना है। आप देख सकते हो कि दोनों जो साइन है हमारा, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहां पर भी लेस है और यहां पर भी लेस है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था डायग्राम नंबर 3 पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये देखो डायग्राम नंबर 3, अगर दोनों लेस साइन रहा तो आपको कहां स्केच करना है, टुवर्ड्स ये जो लास्ट बॉक्स है ना उसके अंदर, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ठीक है। तो मैं यहां पर स्केच कर देता हूं, ओके, आई विल यूज अ रेड स्केच पेन। एग्जाम में स्केच पेन सब अलाउड नहीं है, आप अपने नॉर्मल पेंसिल से करना, मैं सिर्फ थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए इसलिए यूज कर रहा हूं। हाँ, और इसको ज्यादा डिजाइन करते नहीं बैठना, क्योंकि एग्जाम में अपने पास हर एक सम के लिए सिर्फ 10 मिनट होता है। ओके, सो जितना हो सके ज्यादा गैप छोड़ के आप लोग स्केच कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहां पर अपना डायग्राम स्केच कर लिया। अब स्केच करने के बाद ये जो इंटरसेक्शन है,
यहाँ दिख रहा है इंटरसेक्शन जो क्रॉस हुआ है ऐसा क्रॉस, तो ये क्रॉस को आपको निकालना होगा, इसको नाम देंगे हम पॉइंट पी। ओके, अब पॉइंट पी आप कैसा निकालोगे, आपको लेना है अपना स्केल, स्केल पे ये इंटरसेक्शन जहां पर हुआ है वहां स्केल रखूं और उसको डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हो ये नंबर किस पे आया, 3 पे। सो आई विल राइट पॉइंट पी का वैल्यू है 3, ये तो एक्स का हो गया। और यहां पर अब जब रखोगे स्केल, ये किस पे आ रहा है, 4 पे। सो यू विल राइट 3,4। ओके, हाँ, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, पॉइंट पी क्यों निकाल, क्योंकि जो भी हम स्केच करते हैं, जैसे एक रूम का चार कॉर्नर होता है, जैसे मोबाइल के भी चार कॉर्नर है, देखो ये फर्स्ट कॉर्नर, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ, वी हैव 4 कॉर्नर्स ऑफ अ मोबाइल। तो सिमिलरली यहां पर ये जो रेड कलर का आपने स्केच किया उसके कितने कॉर्नर है, मैं रफली यहां पर उसका डायग्राम बनाता हूं, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए। देखो जो हमने स्केच किया था ना कुछ इस तरीके का था, समथिंग लाइक दिस, राइट, और इसके अंदर आपने ऐसा कुछ स्केच किया है। तो ये कौन कौन से पॉइंट से बन रहा है वो आपको देखना है। सो देखो ये जो है ना ये ओरिजिन है 0,0, अब ये कौन सा पॉइंट है, यहां पर दिख रहा है सी, तो ये सी है 5,0। ये जो आपने अभी निकाला पॉइंट पी कितना आया 3,4, और ये जो है ये वाला पॉइंट ये 6 है, ये बी वाला पॉइंट है 0,6। अंडरस्टूड एवरीवन, इसलिए हमको ये पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। अब आपका जो फाइनल स्टेप है वो मैं बता दूं। ओके, तो अभी हमको ये वर्टेक्स लिखना है, ये जो कॉर्नर ये जो इसके पॉइंट्स है ना एंड पॉइंट्स, वो कौन कौन से, एक बी है, एक पी है, एक सी है और एक ओ है। ओ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो अपने क्या है बी है, पी है एंड सी है, क्योंकि ओ का वैल्यू तो 0 ही होता है। सो लेट अस राइट द फाइनल स्टेप, यहां पर आपको वर्टेक्स लिखना है। तो वर्टेक्स का वैल्यू था बी दैट इज 0,6, और उसके बाद था पी दैट इज 3,4, उसके बाद था सी दैट इज 5,0, ये मैंने लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल टू, ये कहां से आया, ये जो आया आपके मेन क्वेश्चन से। हाँ, तो मेन क्वेश्चन में हमने इसको यूज नहीं किया था, दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 9x + 12y। हाँ, अभी इसको यूज करना है, तो आप क्या करोगे, मैंने यहां पर रेड कलर में मार्क किया x एंड y, ठीक है, तो मतलब ये जो है ना आपके, ये आपके बन जाएंगे x, और ये जो b में लिखा है ना x, और ये बन गया आपका y, ठीक है। तो लेट अस सी, तो मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, पहले लिखूंगा 9 का, ये 9 और x, अब x का वैल्यू क्या है यहां पर 0, तो 9 की x की जगह पे 0 एंड प्लस 12 इंटू y की जगह पे क्या आएगा 6, सो 9 इंटू 0 विल बिकम 0 एंड 12 6 आई गेस 72, तो ये वैल्यू आ गया आपका 0 प्लस 72 इज 72। सिमिलरली वी विल राइट 9 इंटू प्लस 12 इंटू, मतलब 9 इंटू x की जगह पे आप कौन है 3, फिर 12 इंटू y की जगह पे कौन है 4, सो विल राइट 4 हो गया। सो 9 3 सा कितना हो जाएगा 27 एंड 4 12 4 सा 48, तो जब आप 27 प्लस 48 को ऐड कर लोगे तो आपका आपका वैल्यू 75 आ जाएगा। ओके, एंड देन वी गॉट द फाइनल वन इज 9 इंटू, अब और यहां पर मैं प्लस 12 इंटू लिख देता हूं, 9 इंटू क्या है बताओ, x का वैल्यू क्या है, यहां पर x का वैल्यू 5 है एंड y का वैल्यू है 0, सो 9 5 सा 45 प्लस 12 0 जा 0, 45 प्लस 0 विल बी 45। ओके, अब क्वेश्चन में मैक्सिमाइज दिया है या मिनिमाइज, क्वेश्चन में दिया था मैक्सिमाइज। ओके, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का मतलब यही है कि आपको लास्ट में चेक करना है कि विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू, तो हम तीनों में से चेक कर लेंगे, वी गॉट 72 75 और 45, सब में बड़ा वैल्यू कौन सा है 75, तो आपका फाइनल आंसर ऐसा लिखना है आपको, जेड मैक्स इज इक्वल टू रूपीज 75 एट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या था यहां पर 3 एंड y इज इक्वल टू 4। ओके,
सो दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर. और फाइनल आंसर को हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में डाल देंगे ताकि वो हाईलाइट हो जाए. दिस इज योर प्रोफेसर सैयद अशरफ साइनिंग ऑफ. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच.